कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकरी एंड ब्यूटी टिप्स। आप मौजूद हैं साइमा के साथ और आज आप सीखने वाले हैं समोसे, जो कि हम घर में बनाएंगे। मज़ेदार से खस्ता खस्ता समोसे, जिसको आप मेहमानों को हिला के उनके दिल जीत लेंगे। तो ये कैसे बनेंगे वो तो हम सीखेंगे। साथ साथ जो भी मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल कुकरी एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने समोसे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कदर हमने बर्तन लेना है, उसमें 250 ग्राम हम मैदा ऐड करेंगे। 2 कप के बराबर ये मैदा होगा। उसको डाल के 1 चम्मच जो हमने नमक डालना है, 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और 3 चम्मच जो है इसमें ऑयल ऐड कर लें या फिर घी ऐड कर लें और उसको फिर अच्छी तरह हम मिक्स करते चले जाएँगे। अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मिक्स करना है ताकि जो है पूरा मिक्स अच्छी तरह। और फिर इसके अंदर हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम डो को गूंदेंगे। बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालती जा रही हूँ और डो को आहिस्ता आहिस्ता करके गूंदती चली जा रही हूँ। क्योंकि हम इस तरह अच्छी तरह अगर डो हमारी जितनी अच्छी होगी हमारा समोसा भी उतना ही अच्छा तैयार होगा। इतना सॉफ्ट होगा कि उसको मुंह में ही जाते ही जो है हमारा समोसा वो घुल जाएगा। ये देखें डो हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके, 15 मिनट मैं इसको कवर कर लूँगी। अब सेकंड प्रोसेस, आलू ले लिए हमने 4 अदद, उसको बॉईल करके इसको पीस लेना है, मैश कर लेना है और लेकिन मोटा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। इसके अलावा प्याज ले लिया 1 अदद, उसको मैंने चॉप कर लिया है। धनिया पुदीना ले लिया, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है मैंने। हरी मिर्चें लेनी है 3 अदद, उसको भी बारीक काट लिए। 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा, 1/2 चम्मच हल्दी और 3 से 4 अदद जो है वो लाल मिर्च हैं गोल, 1 चम्मच जो सूखा धनिया और 1 चम्मच जो है ज़ीरा है। इन सबको मैंने तवे पे भून लिया और उसके बाद जो है इसको मैंने पीस लिया है। इससे बहुत अच्छा सा ये तैयार हो जाएगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी जब आप इसके अंदर डालेंगे। फ्राई पैन ले लिया 1 अदद, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसमें जो है प्याज को हमने सौते करना है। प्याज सौते करने के बाद जो है अब मैं इसके अंदर जो है स्पाइसेस ऐड कर दूंगी और फिर उसको अच्छी तरह हमने मिक्स करके भून लेना है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम इसको, उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को अच्छी तरह जो है हम इसके साथ मसाले में मिक्स कर देंगे 2 से 3 मिनट और फिर जो है इसके अंदर हम धनिया पुदीना जो हमने काटा हुआ है वो डालेंगे और हरी मिर्ची शामिल कर देंगे और इसको फिर अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर देना है। तो ये हमारी जो है मसाला जो है फिर ये रेडी हो जाएगा समोसों के स्टफिंग के लिए। ये चीज़ ज़बरदस्त हमारा रेडी हो चुका है। अब आएंगे हम अपनी डो की तरफ। डो हमारी रेडी हो गई है। अब इसको मैंने एक दोबारा जो है इसको थोड़ा सा मैं गूंदूंगी। गूंदने के बाद जो है इसको रोलिंग करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह और फिर इसको रोलिंग करने के बाद जो है मैं इसको कटिंग कर दूंगी छोटे छोटे स्लाइसेस में, मतलब उसकी एक छोटी सी रोटी तैयार हो सके समोसे की। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने भी वैसे ही करना है, हिसाब से हम अंदाजे से कर लेंगे। बड़े समोसों के लिए थोड़ा बड़ा कर लेंगे, छोटे अगर आपने समोसे बनाए तो उसकी छोटी रोटी तैयार करेंगे। ये देखें थोड़ा सा मैंने मैदा ले लिया, अब मैं इसकी पेड़ा बना के रोटी तैयार करूँगी। बिल्कुल इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने बेलने जाना है और डो हमारा आटा जो है थोड़ा सा सख्त होना चाहिए ताकि अच्छी तरह बन सके। फिर इसको छुरी से नाइफ से मैं इसको काट लूँगी दरमियान से 2 हिस्सों में
और इसको शेप दूंगी समोसे की, कॉर्नर दोनों साइडों को लपेट के कॉर्नर ये चिपका दूंगी। अगर आपके वैसे नहीं चिपक रहे तो आप लई के ज़रिए भी चिपका सकते हैं। और फिर हम इसके अंदर स्टफिंग आलू की डालेंगे। मैं तो हाथ से डाल रही हूँ, आप चाहें स्पून से डालें या हाथ से, जैसे आपको सही लगे आप डाल सकते हैं आराम से। और फिर नीचे रख के इस तरह हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। और हमारी ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन सा जो है समोसा ये तैयार हो गया है, बहुत अच्छा। सेम जो मैं इसी तरह प्रोसेस सेकंड जो पार्ट बचा है इसका उसके साथ भी एक दफ़ा आपको दोबारा बनाना दिखाऊंगी। इस तरह पॉकेट सा बन गया और अब हमने इसके अंदर फिलिंग कर दी है। ये ज़बरदस्त सा हमारा सेकंड वाला भी रेडी हो गया है। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता और भी लेकर और हम समोसे तैयार कर लेंगे, जिसमें ये देख कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे समोसे हैं। ये बड़ा समोसा है बड़ी रोटी का। अब हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर तक हीट अप कर लेंगे। फिर हम इसमें समोसे ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं टेम्परेचर ऑयल का कितना है और ईज़िली समोसे जो हैं उसमें फ्राई हो रहे हैं। इसको फिर हमने थोड़ी देर में ऊपर से ऊपर की जो डायरेक्शन है वो नीचे कर देंगे, ताकि एक तरफ से हमारा ज़्यादा लाल ना हो जाए। और लो मीडियम में ही हमने इसको बनाना है, तेज़ मीडियम में नहीं बनाना। तेज़ आंच पे अगर तेज़ फ्लेम में हम बनाएंगे तो हमारे समोसे जल सकते हैं। ये देखें समोसे हमारे रेडी हो गए। इसको हम निकाल लेंगे और बाकी का जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा टिश्यू के अंदर। इसी तरह दूसरे समोसे भी फ्राई कर लें जो हैं जी। तो मेरे ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी से समोसे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। चाहें तो आप इसको टमाटो केचप के साथ सर्व करें, चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ, इट्स अप टू यू। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। गुड बाय।